दोस्तों, असल में पाकिस्तान आज जाकर खुद की किस्मत को कोस रहा है कि काश हम भारत देश में होते, पछता रहा है कि काश हम भारत देश से अलग ना हुए होते तो आज परिस्थितियां इतनी गंभीर और बद से बदतर ना होती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आधे हिस्से में आई बाढ़ की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है बल्कि वहाँ की आवाम का भी बुरा हाल है। खाने तक के लाले पड़ गए, महंगाई आसमान छू रही है, प्याज टमाटर 250 से 300 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। बाढ़ से खेत और अनाज बर्बाद हो चुके हैं। सरकारी रिपोर्ट की माने तो 1300 के करीब लोग बाढ़ की चपेट, बीमारी और भुखमरी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि हम और आप तो जानते ही हैं कि सरकारी आंकड़े तो हाथी के उस दांत की तरह होते हैं जो दिखाने में कुछ और जबकि असल में कुछ और ही होते हैं। यानी ये आंकड़े बहुत कम बताए जा रहे हैं जबकि अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 30,000 के आसपास है। इसके अलावा कई पशु और जानवर भी बाढ़ की चपेट में आकर खत्म हो चुके हैं। कई किलोमीटर लंबी सड़कें, सरकारी प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग, दुकानें और कई गांव तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, अगर ऐसी आपदा भारत में आई होती तो देश की पूरी सेना जुट जाती आवाम की मदद को रेस्क्यू करने के लिए। भारत की NDRF की पूरी टीम निकल पड़ती और दिन रात एक कर देती। अगर भारत में ऐसी स्थिति बनी होती तो भूख से एक भी इंसान की जान न जाती, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है और आपदा जैसी मुसीबतों से निपटने के लिए भारत की जो जबरदस्त स्ट्रेटजी है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसके लिए कई स्पेशल फोर्सेस को खास ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में भारत की स्टेबल पॉलिटिक्स और बेहतरीन रणनीति का फायदा भी भारत को मिलता रहा है। लेकिन पाकिस्तान में देश को वहाँ की सेना चलाती है, जबकि सेना ही भ्रष्ट है तो वहाँ की आवाम को कैसे बचाएगी। पाकिस्तान में बहुत देर के बाद मदद के लिए पहुंची NDRF की टीम पर वहाँ की आवाम भड़की हुई थी, जिन्हें गाँव में एंटर तक नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान की आवाम रो रही है इसलिए नहीं कि बाढ़ से उनका नुकसान हो रहा, बल्कि इसलिए कि उनकी मदद ना के बराबर हो रही। वहाँ की सरकारी रणनीति को लेकर पाकिस्तान की आवाम दुखी है, सोच रही है कि आज हम अगर भारत में होते तो हमें भारत जैसी स्टेबल पॉलिटिक्स का फायदा मिलता और कई जानें बच जाती। पाकिस्तान के 118 जिलों में आई बाढ़ में पाकिस्तान का जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब ऐसी प्राकृतिक आपदा में कोई भी देश पाकिस्तान की मदद को आगे नहीं आ रहा सिवाय भारत के। अब कहां गया वो चीन जिसके गुणगान पाकिस्तान 24 घंटे करता था। खैर, IMF के द्वारा भले ही पाकिस्तान को कुछ राहत फंड लोन के तौर पर दिया गया है, पर है तो लोन ही। बाकी पाकिस्तान को अगर अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाना है तो देश में कुछ ऐसा क्रिएटिव करना होगा कि देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और रोजगार पैदा हो।